वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं किया है तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए उसे चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वीजा प्रोसीजर की जानकारी के साथ और उसी को कंटिन्यू करते हुए सिंगापुर के बाकी प्लेसेस और बजट को देखेंगे। सिंगापुर में वीजा पाना बहुत ही आसान है। आप इस प्रोसीजर को ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है उनको फिल करके आप मात्र 2500 रुपए में वीजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में उतना टाइम नहीं है तो आप किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प ले सकते हैं जो आपका वीजा आसानी से करवा के दे देंगे, लेकिन जिसके लिए आपको 3500 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। टाइम हो गया है 11:40 का और मैं निकल रही हूँ आज कवर करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन। अब गार्डन है कैसा अंदर से होगा, सुना है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको कवर करने में। मैं जा रही हूँ मेट्रो से मेट्रो स्टेशन पे। वैसे कोविड फिर से आ गया है तो मास्क लगाना कंपलसरी है। वैसे भी यहाँ मेट्रो में आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ मास्क लेके नहीं आई थी और उसकी वजह से मुझे इस मास्क की कॉस्ट पड़ गई है $1 यानी कि 60 रुपये। गार्डन्स बाद पे जो कि सिंगापुर का बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है और जिसके मेट्रो स्टेशन पे आते ही आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है, सिर्फ टूरिस्ट दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, और जो फॉरेन वाली रियल वाइब्स होती है वो आपको यहाँ के आएगी। कल मैंने जो भी मेट्रो स्टेशन कवर किए वो बहुत क्राउडेड थे तो वहाँ पे तो दिल्ली मेट्रो वाला ही फील आ रहा था, लेकिन आज फाइनली वो फील आया। फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ से आप ये सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जैसे मरीना बैराज और ये सारे आपको दिख ही रहे हैं, चिल्ड्रंस गार्डन, क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, सुपर ट्री ग्रोव, ये सारे हैं। और पीछे मेरे आपको दिख रही होगी वो बिल्डिंग जो कि सिंगापुर की पहचान है, मतलब हमारे इंडिया में इस तरह की नहीं होती है, बिल्कुल शिप के शेप में, राउंड शेप में बनी हुई है और 3 टावर से किसी भी, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आसमान में आप हो। वो टेरेस पे तो पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं। फिलहाल ये जो सड़कें हैं, फिलहाल ये जो मौसम है, फिलहाल ये जो जगह है काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो पैदल चलने में भी ऐसे लगता है कि बस बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ना शोर ना शराबा, बिल्कुल साफ सुथरी, पोल्यूशन भी ऐसे फील नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। बाकी अभी जाते हैं मेन अट्रैक्शन पे और देखते हैं वहाँ क्या है, कैसा है, कितने पैसे लगेंगे, एंट्री फीस है क्या एग्जैक्टली है, वो तो जाके ही पता चलेगा। तो अब मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लाउड वॉक, यानी कि बादलों के ऊपर की सैर। वैसे ये है 7वां फ्लोर, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, यहाँ से नीचे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और वाटरफॉल जो आपको नीचे से बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऊपर से ये इस तरह से पानी जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा पानी, जो नीचे बहुत ही सुंदर झरने का रूप ले रहा है। टोटल 7 फ्लोर की बिल्डिंग ये है, जिसमें आप सबसे ऊपर से भी शुरुआत कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी धीरे धीरे आ सकते हैं। मैं ऊपर से कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे नीचे चली जाऊँ। बाकी यहाँ पे अवतार का एक्चुअल जो मज़ा है वो आपको रात में आएगा, क्योंकि लाइट ऊपर दिखाई देगी। 7वें फ्लोर पर लिफ्ट से मैं आई हूँ और अभी यहाँ से चल रही हूँ। काफ़ी बड़ा ये मुझे ब्रिज सा दिखाई दे रहा है और इसके एक साइड पे जहाँ पे पूरे ग्लासेस लगे हैं और सिटी का और ग्रीनरी का व्यू आता है, उसी तरफ दूसरी साइड पे पूरा ग्रीन व्यू आता है, और वो भी जो आप बोल सकते हैं अवतार वाला जो लाइट्स है, सारी चीज़ें हैं वो इसी साइड पे लगी हुई है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आई होप मैं आपको भी एक वर्चुअल जो है दिखा पाऊँ वर्चुअली कि कैसा ये पूरा फॉरेस्ट है, कैसा ये पूरा गार्डन है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से और एक्सप्लोर करते हैं इस टूरिज्म से गार्डन को, क्योंकि इसके बाद में भी बहुत कुछ है करने को सिंगापुर में। तो अब मैं हूँ विवो सिटी मॉल में, जो विवो सिटी है सेंटोसा के लिए जब आप जाते हैं तो उसी को क्रॉस करते हुए आपको जाना होता है। यहाँ पे मुझे मिल गया एक इंडियन रेस्टोरेंट जो सिर्फ $60 में आपको ऐसी थाली दे देगा जिससे आपका पेट भर जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी तक का सबसे चीपेस्ट है। ये थाली जो है राइस थाली है, जो कुछ इस तरह से दिख रही है, इसमें पिकल भी होता है, पापड़ भी होता है, और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको सबसे रीजनेबल ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहें तो नान थाली ले सकते हैं, चपाती थाली ले सकते हैं, मतलब थाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी हम जब भी खाते हैं और हमको सस्ता लेना होता है हमें थाली ही लेनी पड़ती है, यहाँ पे भी थाली ही सबसे चीपेस्ट है और $60 में, यानी कि 400 से 500 रुपये में आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। मैं
बैठी हूँ बीच शटल में और यहाँ से मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और मैं करने वाली हूँ VR एक्टिविटी। मेरे दूसरे साइड पे चल रहा है बीच, क्योंकि यहाँ पे फ्री में एक्सेस आप कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको MRT स्टॉप से मिलती है फ्री मोनोरेल और फिर यहीं पे अंदर घूमने के लिए भी आपको फ्री सेवा मिलती है इस सुंदर सी शटल की भी। नॉर्मल ट्रेन की व्लॉगिंग तो आपने बहुत सारी देखी होगी ट्रेन चलते हुए, लेकिन आज मैं जाने वाली हूँ एक्सट्रीम ट्रेन के सफर पे, जो कि वर्चुअल रियलिटी वाला सफर है और उसमें मैं पहनने वाली हूँ ये। हालांकि इन सब की वीडियोज़ वी कांट शेयर, इनकी वीडियोस आप नहीं देख सकते हैं, या आपको खुद से ही एक्सपीरियंस लेना होता है, क्योंकि सब कुछ इसमें कैद है, जो भी है वो इसमें कैद है। तो फिलहाल शुरू करते हैं, राइड पे चलते हैं और इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगी मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ की जो भी राइड्स थी अपनी वो कर ली है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऑनेस्टली कि ये सब कुछ इंडिया में भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और यहाँ आके अननेसेसरी अगर आपको इतना खर्च करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंट एज सच वाइब आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके पास में टाइम एक्स्ट्रा है और आपको 3-4 घंटे ऐसे लगता है कि कुछ बिताने हैं कहीं पर, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। नॉर्मल सा पैक आप ले लीजिए $40 वाला, 3 राइड्स कर लीजिए, 3 बेस्ट राइड यहाँ की ले लीजिए। उसके अलावा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग, ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ इंडिया वाली कुछ अलग वाइब्स आएगी, जैसा कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट की थी टू बी ऑनेस्ट। जैसा इंडिया के मॉल्स में अगर आपने किया होगा तो वैसा ही सेम कुछ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। बाकी आज का पूरा दिन जो है, सुबह जो मैंने कवर किया था और अभी जो मैंने कवर किया है, दोनों में ही मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ कि आप दोनों में ही पैसा वेस्ट मत कीजिए। मतलब बहुत मतलब क्योंकि हमारे लिए रुपीज़ में जब कन्वर्ट होकर आता है तो काफ़ी महंगा ये टिकट होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और कर सकते हैं। अब कुछ और क्या हो सकता है वो अभी मैं भी जाके एक्सप्लोर करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो मैंने आज आपके सेव कर दिए हैं $40 यहाँ के और ऑलमोस्ट $30 वहाँ के, $70 से $80 की बचत आप मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, फिर भी आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था पास्ता और बहुत ही अरमानों के साथ, क्योंकि बहुत महंगा होता है, लेकिन मुझे जो पास्ता मिला है वो भाई नूडल्स। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये तो नूडल्स है, कहीं गलती से किसी और का ऑर्डर तो नहीं आ गया, तो मैंने बोला पास्ता इज नूडल्स, मैंने ये नूडल्स खाने पड़ रहे हैं पास्ता के प्राइस से। तो अभी मैं हूँ यहाँ के मॉल में और हम देखते हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी के बारे में। ये है मेरे हाथ में अदरक, जो कि 52 सेंट की है, बोले तो 180 रुपये की, यानी 30 रुपये में आपको बोल सकते हैं कि 100 ग्राम अदरक यहाँ पे मिलती है, जो कि नॉर्मल रेट है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और बात करें हम मूंगफली की, तो जो ये पीनट्स है ये आपको 180 से 200 रुपये में सिर्फ 480 ग्राम है, यानी आधा किलो से भी कम है और काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जैसे इसको पास में लेके आप स्मेल लेंगे तो बहुत ही शानदार स्मेल आ रही है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे चीज़ें सारी मिलेगी और मिलेगी बहुत अच्छी क्वालिटी की, मतलब हमारे यहाँ पे जो सड़ा गला वो सब माल होता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, लेकिन उसी हिसाब से दाम भी है, लेकिन दाम भी हमारे अकॉर्डिंग है, जो यहाँ की करेंसी में कमा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ इंडियंस के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रूट्स की, फ्रूट्स भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बड़े बड़े हैं, 6.45 यानी कि करीबन $60 का ये एक है, 4420 यानी कि 420 रुपये का ये एक तरबूज यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑलमोस्ट फ्रूट्स भी सारे हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है, बड़े बड़े केले भी यहाँ पर है, इतने बड़े बड़े केले हैं, मस्त फ्रेश फ्रेश, $3.82 का ये पूरा है। ओवरऑल प्राइसेस हमें हाई लग रही है बाकी यहाँ के हिसाब से, अगर आप सोच लो अगर आप सिंगापुर डॉलर में कमा रहे हो तो आपको $4 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ठीक ही है। हाँ मैं आ गई हूँ बंजी जंपिंग के लिए, हालांकि मैंने अभी तक इंडिया में ट्राई नहीं की है, बट लकीली मुझे यहाँ पे ट्राई करने का मौका मिल गया। प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आ लगी, वहाँ पे जो हाई टेरिशन है जो वो 80 मीटर होती है, यहाँ पे 40 मीटर की बंजी जंपिंग है और जिसकी प्राइस है 4,900 रुपीज़। अगेन अगर आप बुक कर रहे हैं क्लुक से तो अगर आप यहाँ पर आके लेते हैं $99 आपको पड़ेगा और जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 5,000 के करीब हो जाएगी, यानी आप 1,000 से 1,100 रुपये की सेविंग कर सकते हैं अगर आप लुक से बुक करते हैं। तो आप देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग की हुई थी।
लोगों की पहचान है ये लायन कम मछली, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है इसका शेर वाला है और नीचे का जो हिस्सा है वो मछली वाला, दोनों को मिक्स करके ये बना हुआ है और यही सिंगापुर की मेन पहचान है। और इसके पीछे जो है वो आलीशान बिल्डिंग्स है। वैसे हम सभी ने मुंबई पुणे में बहुत सारी बिल्डिंग देखी होगी, लेकिन ऐसी बिल्डिंग शायद ही कहीं देखी होगी। ऊपर है इसमें शिप का आकार, मतलब कि आप बोल सकते हैं बे जिसे बोलते हैं, यानी कि समुद्र का किनारा, और वो टिका हुआ है नीचे तीन इमारतों से। और ये तीनों इमारतें जो है ये होटल है, मॉल है और क्या कुछ नहीं है, अंदर सब चीज़ें आपको मिलेगी। ओवरऑल इस पॉइंट पे जब भी आप आएंगे, अगर कंक्लूड करके बोला जाए तो आपकी बहुत प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स आएगी, आप चाहे दिन में आए चाहे रात में। मैंने दोनों टाइम पे एक्सप्लोर किया और दोनों टाइम का अपना अलग अलग मजा है। फिलहाल हो गई है 24 दिसंबर के 11:30 बजे का टाइम, यानी ठीक आधे घंटे में होने वाला है क्रिसमस, और मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ देखने के लिए कि क्या होने वाला है। हालांकि मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है कि कुछ होने वाला है, बट यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि अपने आप ही बस बैठेंगे तो भी मजे आ जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगापुर के ओवरऑल बजट के बारे में। आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए लेनी होगी फ्लाइट, जो कि 20,000 रुपए में आपकी टू एंड फ्रो यानी आने और जाने की हो जाएगी। 2500 रुपए आपका लगेगा वीजा का खर्चा, और पर नाइट यहाँ पे आप 3000 की होटल लेंगे। 5 दिन के लिए आपकी होटल का खर्चा आएगा करीबन 15,000, जो दो लोगों में स्प्लिट होगा। 7,500 रुपए पर पर्सन आपका होटल का आएगा, और 2,000 रुपए पर डे पर पर्सन आपका खर्चा आएगा खाने का, और उसमें घूम पाएंगे आप ये बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी डेवलप्ड कंट्री सिंगापुर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें।